दमोह जिले के जवेरा विधानसभा अंतर्गत नोहटा 17 मील के पास वन विभाग की नर्सरी को उजाड़ कर यहां खेती करने के लिए ट्रैक्टर चलाने का घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी लगने पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने जुताई में लगे ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। इधर वन विभाग की कार्रवाई की जानकारी लगते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा लोगों ने यहां पर सरकारी भूमि पर हो रहे कब्जे को लेकर आश्चर्य जताया। वहीं इस दौरान ट्रैक्टर की तथाकथित मालकिन बनकर एक महिला भी यहां पर आ गई, जो वन विभाग के कर्मचारियों पर रौब जाड़ते हुए अपनी सफाई यह कहकर देने से नहीं चुकी। यह ट्रैक्टर उनके यहां से कोई अन्य व्यक्ति किराए से जुताई कराने के लिए ले गया था। उन्हें नहीं पता यह सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए इस ट्रैक्टर को ले गया था। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस ट्रैक्टर को जब्त करके कार्रवाई की बात कही जा रही है। वही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यहां पर जो कब्जे की प्रक्रिया की गई है वह इस नर्सरी में सैकड़ों की संख्या में पूर्व से ही सागौन के पौधे लगे हुए थे। इन सभी सागौन के पौधों को उजाड़ दिया गया है, यानी लाखों रुपए के पौध रोपण को नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा वन अमला यहाँ कितनी सख्त कार्रवाई करता है। मैडम ये कौन सा झाड़ है? मैडम ये कौन सा झाड़ है? अरे सगौना का झाड़ है, मुझे पता है। ठीक है, ये आरएफ कंपार्टमेंट है। इसे बताना चाहिए था, लेकिन एक बार ये जगह वो हम लोग को समझ देखो, यहाँ कोई भाई हम लोग मजदूर आदमी है, हर जगह जाता है, नहीं पता कि यहाँ का क्या मांजरा है। हमारा तो जैसे ट्रैक्टर डेली जाता था चलने, वैसे ही गया, किराए से जाते हैं, लोग लेके जाते हैं, वो चले जाते हैं। अब ये नहीं पता कि वहाँ पे जगह कौन सी है कौन सी नहीं है। वो तो डेली पर डे का काम है, अभी सीजन चल रहा था तो चला रहे थे। ये ईश्वर कांत मिश्रा, बीट गार्ड नोटा जी, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्लांटेशन है। वर्ष 2011 में इनका वृक्षारोपण हुआ था। ये आरएफ 423 में यहाँ मालूम चला कि एक ट्रैक्टर जुताई कर रहा है, तो जैसे ही खबर मिली हम लोग सब लोग घेराबंदी करके यहाँ आए, मौका पर देखा, ट्रैक्टर को जब्त किया। उसने जो वृक्षारोपण हुआ था सागौन के कई वृक्ष, जिसकी गणना की जाएगी लगभग 100 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसमें जोत करके उसने उखेड़ दिए और उस ट्रैक्टर को जब्त किया। ट्रैक्टर मालक का नाम पवन कोरी अभाने का। अभी इसकी जब्ती कार्रवाई की गई, इसको जब्त किया गया, इसको यहाँ से ले जाएंगे और सुरक्षित रखा जाएगा सगौनिया।